हाय, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं यहाँ पोस्ट करती रहती हूँ स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, मेकअप ट्यूटोरियल्स जो वेरेबल होते हैं, करने में बहुत ईजी और कन्वीनियंट होते हैं, और शॉपिंग हॉल्स वगैरह। तो चलिए, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ भाई, वो है ये ऑर्गेनिक पाउडर्स, आयुर्वेदिक हर पाउडर्स फ्रॉम द ब्रांड स्टेमियो। ओके, ये मुझे ब्रांड की तरफ से आए थे और मैंने आज हेयर पैक जो यूज़ किया था, इन्हीं प्रोडक्ट को बना करके यूज़ किया था। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि मैंने ये पैक कैसे बनाया इन प्रोडक्ट की हेल्प से, और इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद में डिटेल में मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूँगी। तो ये 5 पाउडर्स हैं, आंवला, शिखाकाई, भृंगराज, हिबिस्कस, रीठा। ईच बॉक्स में 50 ग्राम प्रोडक्ट है, और इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं, इसी तरह का ये प्लास्टिक का बॉटल है। एंड इसमें से मैं हर बॉटल में से एक एक स्पून, ईच क्वांटिटी बराबर मात्रा में प्रोडक्ट को कांच के बाउल में ले रही हूँ, और उसके बाद मैं रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसी से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाऊँगी। आपने देखा मैंने सारे प्रोडक्ट को इक्वल क्वांटिटी में लिया है, और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको वैसा पेस्ट बनाऊंगी जो बालों से टपके नहीं, उस कंसिस्टेंसी में मैं इसको रखूंगी। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल जैसी चीज़ें मिला सकते हैं, जिससे कि ये आपको ड्राइनेस ना दे बालों में और नरिशमेंट ज़्यादा आपको मिले। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको मिलाने के बाद आप देखेंगे ये किस तरीके से बनकर पेस्ट हेयर पैक का तैयार हो गया है। अब मैं इसको अपने हाथों की हेल्प से ही अपने स्कल्प में लगाऊंगी। बालों पे मैं इसको बहुत धीरे धीरे आराम से लगाऊंगी, बिकॉज आई फील कि बाल बहुत डेलिकेट होते हैं, और उन पे कोई भी चीज़ जब अप्लाई करें, आप कोई भी हेयर केयर पैक, चाहे आप हिना ही क्यों ना लगा रहे हो, बहुत आराम से करें। और इसको आप लगाने के बाद देखेंगे मैंने पूरे हेयर्स पे इसको बहुत अच्छे से लगा लिया, और उसके बाद इसको मैंने 20 to 25 या 30 मिनट्स तक बालों में रखा, और उसके बाद इसको मैंने क्लीन वाटर से वॉश कर लिया था। आप चाहें तो कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले से ऑयलिंग की हुई है। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया, प्रोडक्ट को हेयर पैक के लिए यूज़ किया, और किस तरीके से मैंने इसको अपने बालों पर अप्लाई किया था। तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है, देखें, और हेयर वॉश मैंने किसी शैम्पू से नहीं किया है, जस्ट मैंने क्लीन वाटर से अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया। कोई भी शैम्पू मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि शैम्पू मैंने एक दिन पहले यूज़ किया था, कोई ऑयलिंग मेरे हेयर्स में नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस अगर आपके हेयर्स पहले से ऑयली हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज़ एनी गुड शैम्पू यू यूज़। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, कितने ज़्यादा सुलझे हुए हैं, जबकि मैंने आज अपने बालों को ब्लो ड्रायर नहीं किया, नेचुरली ड्रायर होने दिया। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो बाल जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, और मैंने कोई भी सिरम यूज़ नहीं किया, जिससे जो हम यूज़ करते हैं ना, लाइक बालों की उलझन को मतलब ख़त्म करने के लिए, टैंगल डिटैंगल करने के लिए, या फिर शाइन के लिए, ऐसा मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो आज जो मेरे बाल आप देख रहे हैं, इसी हेयर पैक को यूज़ करने के बाद है। तो देखिए मेरे बाल मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहे हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल भी आपके बालों को ये केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डिटेल में वन बाय वन इन 5 पाउडर्स के बारे में बताती हूँ। तो जी, ये पहला जो प्रोडक्ट है, ये पहला जो पाउडर है, स्टेमियो का भृंगराज लीफ पाउडर है, भृंगराज की पत्तियों का ये पाउडर है। तो ये बालों को पहले जो प्रीमेच्योर तरीके से ग्रे होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, बालों को थिकनिंग दे प्रदान करता है, बालों को पतला होने से रोकता है, और इची स्कल्प से आपको बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलेगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो ये भृंगराज प्रोडक्ट है, भृंगराज का पाउडर है, ये पहला इसका पाउडर है।
दूसरा पाउडर जो मुझे बहुत पसंद आया है वो है ये हिबिस्किस फ्लावर पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर। क्योंकि जब हम मैं छोटी थी या फिर जब मैं मम्मी के पास में गांव में रहा करते थे, तो वहाँ पे क्या था ना कि बहुत ये फूल मिलते थे, तो मेरी मम्मी उसको कोकोनट के ऑयल में हमेशा लगा के डिप करके रखती थी। तो यहाँ वो फूल ये मिलते नहीं हैं यू नो शहर में, तो ये पाउडर बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे मिल गई है। ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे गुड़हल के फूल करते थे। और जो मेरे बाल आज थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना यहाँ के हैवी पानी से, तो वो मेरी मम्मी ने जो इतने सालों तक ट्रीटमेंट किया था उसकी वजह से ही है। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या लगाते हैं, तो उसका सबसे जो बड़ा जवाब है ना खूबसूरत बालों का, वो यही है हिबिस्कस का पाउडर। तो ये भी बालों को ग्रे होने से रोकता है, बालों को थिकनिंग देता है और बाल इससे ना झड़ते कम हैं, मजबूत होते हैं। ये बालों को के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है ये पाउडर। और ये है रीठा पाउडर। ये जो है हेयर ग्रोथ तो देता ही है, साथ में बालों को शाइनी बनाता है। बाल मतलब इससे ना एक्स्ट्रा ऑयलनेस जो है वो कंट्रोल में रहती है स्कल्प की, डैंड्रफ से प्रिवेंट करता है, बालों को बढ़िया ग्रोथ देता है। ये पाउडर बहुत ज़रूरी है हेयर केयर के लिए और प्योर ऑर्गेनिक है, इनमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है। दूसरा है जी ये शिकाकाई का पाउडर। ये पाउडर बालों को जो है ना वॉल्यूम देता है, इससे बाल जो हैं मतलब कि ड्राइनेस उनकी ख़त्म होती है, ये बालों को हेल्दी ग्रोथ देता है। ये बहुत बढ़िया पाउडर है शिकाकाई का। ये तीसरा पाउडर है, नहीं चौथा सॉरी। और ये जो पांचवा है आंवला पाउडर, आंवला के बेनिफिट तो आप सब जानते हैं कितने ज़्यादा होते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्कल्प जो होती है उसमें इचीनेस वगैरह इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत बढ़िया मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये बालों को ग्रे नहीं होने देता है, इससे बाल शाइनी भी होते हैं। मतलब इससे कितने सारे फ़ायदे इसके नहीं हैं, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं। आंवला इसका जूस भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ ये पांचों पाउडर्स बहुत बढ़िया है हेयर केयर के लिए, इसको आप ज़रूर ले सकते हैं। इनके प्रोडक्ट बाय लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर से इन्हें खरीदिए और काम आएंगे ये आपके। आप इसको अपने हिना पैक में भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें आप अब एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए थोड़ी मात्रा में कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं या आमंड ऑयल डाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये बहुत बढ़िया हेयर केयर पैक है, आप इसको यूज़ करें। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।